राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन में छात्राओं को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा राजस्थान के बूंदी में पूरा कर दिया। 3 छात्राओं के साथ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर राजस्थान के बूंदी में एक फार्म हाउस पर बने हेलीपैड से उड़ा था। करीब 25 मिनट तक छात्राओं को हेलीकॉप्टर से सैर करवाई गई। खरसौत खुर्द के श्री राम कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मोहन सिंह पलदुना ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर को इंदौर रोड स्थित जाट ढाबे पर स्कूल की छात्राओं से मुलाकात की थी। उस दौरान राहुल गांधी ने छात्राओं से पूछा था कि वह क्या बनना चाहती हैं। छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर व पायलट बनने की बात कही थी। इस पर गांधी ने उनसे कहा था कि कभी वह हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज में बैठे हैं, क्या कभी सर्जरी देखी है क्या? छात्राओं ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को छात्राओं को हेलीकॉप्टर में बैठाने की बात कही थी। बुधवार को मोहन सिंह के पास राहुल गांधी की टीम के सदस्य का फोन आया और उनसे कहा गया कि वह छात्राओं को लेकर राजस्थान के बूंदी जिले में आ जाएं। मोहन सिंह स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा अंतिम बाला पनवार, शीतल पाटीदार तथा कक्षा 10वीं की छात्रा गिरजा परमार के साथ गुरुवार को बूंदी गए थे। वह नयानी फार्म हाउस पर उन्हें बुलाया गया था। यहां राहुल गांधी ने तीनों छात्राओं से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने तीनों छात्राओं को पहले हेलीकॉप्टर के बारे में तकनीकी जानकारी दी। इसके बाद करीब 25 मिनट तक राहुल गांधी तीनों छात्राओं के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। छात्राएं इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि यह किसी सपने के पूरे होने जैसा है। उड़ान भरने के बाद राहुल गांधी ने छात्राओं के साथ फोटो भी खिंचवाए। छात्राओं ने राहुल को उनके द्वारा बनाए गए एक स्केच भी दिया था तथा उनसे ऑटोग्राफ भी लिए। एक फोटो ले लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, साहब आगे आवाज कान से सुनते हो? आ जाओ, आओ तो सही। वन प्लीज सर, जी जितने भी सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको। ये दोनों टच स्क्रीन है, इसमें आपका जो आपका रूट है, जहाँ आपने जाना है, जैसे जयपुर जाना है तो आप रूट करेंगे। बहुत पसंद आ रहा है। अभी हम बैटरी ऑन नहीं कर सकते।